धरती पर स्वर्ग क्या है इसको कहा गया है। आपके ग्रंथों में लिखा, सदा प्रसन्नम मुखमिष्ट वाणी सुशीलता च स्वजनेषु सख्यम सताम प्रसंगम खल संग परित्यागश्च एतानि देहे त्रिदिवः स्थितिना। जहां सदा प्रसन्नता रहती हो, खुश रहें और खुश रखें घर में, मुख मिष्ट वाणी, मुख में जिनके मीठी वाणी है, मीठे ढंग से जिनको बोलना आ गया, खुश रहते हो, मीठा बोलते हो, सुशीलता च शालीन है, सुशील है, स्वजनेषु सख्यम अपनों के प्रति आत्मीयता अपनापन है। बड़ा अद्भुत शब्द है ये। रिश्ते अनेक हो सकते हैं लेकिन उन रिश्तों के साथ अगर आपका अपनापन नहीं है तो रिश्ते की गरिमा गई। लोग कहते हैं ना कि कहने को तो हमारे मामा तीन हैं लेकिन एक से ही बस हम लोगों की निकटता है। कैसे? वहां आत्मीयता बनी हुई है, आना जाना बना हुआ है, वो हमारा ख्याल रखते हैं, हमें उनका ध्यान आता है, वो रिश्ता जिंदा है, आत्मीयता जहाँ है। जिस घर में लोग प्रसन्न रहते हैं, मीठा बोलना जानते हैं, शालीनता छोड़ते नहीं हैं, और जो लोग आत्मीयता रिश्तों में बनाए रखते हैं, सगापन, सगाई होती है ना, तिलक ही तो लगाया गया है, एक रस्म हो गई कि बस अब से सगापन अपनापन शुरू हुआ है, अभी विवाह नहीं हुआ, सिर्फ सगाई हुई है। इतने में ही ये बात हो गई कि सारे समाचार वहां के जानने को लोग उत्सुक रहते हैं, परिवार के लोग, कि उधर उस नगर में सब ठीक ठाक तो है, समाचार उनके जानेंगे, अपने बताएंगे, सगापन आ गया। जहां रिश्ते में ये सगापन है, आत्मीयता कहते हैं, एतानि देहे त्रिदिव स्थितानाम, इस धरती पर स्वर्ग जो है यही है। मनुष्य के हृदय में या मनुष्य के देह में बसा हुआ स्वर्ग भी यही है कि प्रसन्न रहना सीख जाए, मीठा बोलना सीख जाए, शालीनता छोड़े नहीं, रिश्तों में अपनापन बनाए रखे, सताम प्रसंगम खल संग त्यागीश्च, सज्जनों का संग चाहे, ढूंढ कर उनके पास बैठे, उनकी वाइब्रेशन, उनका ओरा, उनके विचार जीवन में आए, और खल संग त्याग, दुष्टों की संगति से बच के चले। क्योंकि जिस बच्चे को माँ बाप 20 साल तक कोशिश करके राम बनाने की कोशिश करते रहे, बना नहीं बना, लेकिन अगर 20 दिन की बुरी संगति मिल गई, रावण बनाने में देर नहीं लगाई, बड़ी जल्दी दुष्टता और बीमारियां जीवन के अंदर आती है। इसलिए कहा गया है कि बस यही है स्वर्ग, यहां इस धरती पर रहने वाले लोगों के जीवन के लक्षण।